तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केल्विन में और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपके मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का वन शॉट। तो क्लास आप जानते हैं आपके सभी के सभी वन शॉट आ चुके हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट तैयार है भाई साहब, हर चीज़ आपको मिल चुकी है। कुछ नहीं करना, बस आई के बटन पे क्लिक करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख के आओ ना भाई, क्यों वेट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ये देखो भाई, जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आज के सिनेरियो में, ठीक है, आज के सिनेरियो में, यानी टुडेज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज जो आज का दौर है उसके अंदर मिनरल्स और एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए तो युद्ध भी हो जाते हैं और युद्ध होते भी रहे हैं। जो असल युद्ध हैं वो मिनरल्स और एनर्जी के लिए तो हुए हैं बेसिकली। अगर देखें तो अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, मिनरल्स जैसे गोल्ड, पेट्रोलियम, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, आयरन, इन सबका हम कंज्यूम करते हैं, हम इसको कंज्यूम करते हैं, कोल को कंज्यूम करते हैं ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ या फिर अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएँ, हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। हर एक चीज़ के अंदर मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिनरल्स के बिना हमारा जीवन तो क्या ही बताएं, क्योंकि चाहे आप लोहा लें, चाहे आप कोल्ड लें, चाहे आप सिल्वर लें, हर एक चीज़ जो मिनरल है हमारे पास, हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की जाती है। हम उन हमारी जो डिपेंडेंसी वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। बिना मिनरल के आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं जनरेट कर सकते, बिकॉज जो मिनरल है वो बहुत सी इंडस्ट्री के लिए, या फिर ये कहें 99% इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। बिना उनके रॉ मटेरियल, मतलब बिना मिनरल्स के कोई भी इंडस्ट्री चीज़ें जनरेट नहीं कर सकती। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो प्रोडक्ट जनरेट करती है मिनरल से, बहुत सारी इंडस्ट्री इनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनके लिए वो रॉ मटेरियल है। जैसे आयरन इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि वो आयरन ओर से आयरन तो जनरेट करती है, और जो आयरन है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है गाइस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मिनरल। अगर हम बात करते हैं मिनरल, एक नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस है जो एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो उसको डिफाइन किया जा सकता है। यानी मिनरल क्या है, एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर है। सो गोल्ड है आपके पास, ठीक है, आयरन ओर है आपके पास, कॉपर है, ओर ऑफ आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, लेड, पोटैश, ठीक है। ओर्स क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। ये एक तरीके का एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से मिनरल निकाला जाता है। आप कहेंगे सर क्या समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर एग्जांपल दीजिए। बेटा ये सेम वैसा ही है जैसे मिट्टी के अंदर एक पत्थर दबा होता है, आप पत्थर को निकालते हैं, ठीक है, आप देखोगे उस पर मिट्टी जमा होती है। आप क्या करते हो, पानी डालते हो या ब्रश से रब करते हो और उसमें से पत्थर निकालते हो। ये सर ये रहा पत्थर। सेम जो ओर है, ओर को क्लियर किया जाता है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, जिसमें से हम मिनरल्स निकाल लेते हैं। क्लियर। चल हमारे पास कितने टाइप्स के मिनरल हैं, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के मिनरल हैं, मेटलिक है, नॉन मेटलिक है और एनर्जी मिनरल्स हैं। मेटलिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास तीन तरीके के मिनरल्स हैं, एक फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मेटल। नॉन मेटलिक के अंदर हमारे पास सिंगल टाइप है जिसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, मेटल्स नहीं होता। एनर्जी, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देखते हैं क्लास, अगर हम बात करते हैं बच्चा मेटलिक मिनरल्स के, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा है, फेरस। कौन सा है, फेरस, आप जानते हैं एफ ई, यानी अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो आयरन, ठीक है। वो सारे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, इन सब के अंदर क्या है, आयरन मिलता है हमें, आयरन आपको प्रेजेंट मिलेगा। दैट्स व्हाई दे ऑल आर फेरस मिनरल्स। क्लियर। द सेकंड वन इज नॉन फेरस, जिसके अंदर आयरन की जो उपस्थिति है वो नहीं होती, ठीक है, अपुस्थित होता है उसके अंदर। इन विच पार्ट ऑफ आयरन इज नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर आयरन नहीं मिलता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, एल्यूमिनियम। क्लियर। और लास्ट है प्रीशियस मेटल, इसका इन दोनों से कोई लेना नहीं है। क्यों, यह है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो काफ़ी प्रीशियस होते हैं, काफ़ी जानते हो सोने की लड़ाई तो क्या ही बताएं। अब आप कहेंगे सर इस एक और चीज़ें क्लियर कर दो। बेटा देखो मेटलिक आप सभी जानते हैं, आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं, मेटलिक वो सब्सटेंस होता है, मेटलिक उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको हम पीट कर, जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते, जिनके पास मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, सोनोरस साउंड
प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो होती है, वो सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स है। अगर आप देखेंगे हम आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, मैगनीज है, कॉपर, लेड, टिन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब के अंदर ये सारी क्वालिटीज मिलती है, इन सब के अंदर ये सारी क्वालिटीज मिलती है मेरे बच्चा। दैट्स वाई दे ऑल आर मेटलिक। मेटलिक को हमने कितने टाइप में बांटा, तीन टाइप में बांटा। पहला कौन सा है, फेरस, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन की मात्रा होती है। सेकेंड, जिसके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती, यानी जिसके अंदर आयरन एब्सेंट होता है। द थर्ड वन इज प्रीशियस मेटल, जो काफ़ी प्रीशियस होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है, मिलते भी कम ही मात्रा में है। चलिए सेकेंड है नॉन मेटलिक, दोज मिनरल्स इन विच पार्ट ऑफ मेटल आर नॉट प्रेजेंट, जिसके अंदर मेटल्स होते ही नहीं है, यानी ना तो डक्टाइल है, ना सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ना मैलिएबल है, इन तीनों के अंदर से कुछ नहीं है, ठीक है। समाइका है, पोटैश है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटलिक है। क्या है ये, नॉन मेटलिक है, ठीक है। फिर आता है थर्ड हमारे पास एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स मिनरल थ्रू विच एनर्जी इज सप्लाई, जिससे एनर्जी मिलती है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ये वाली एनर्जी नहीं जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, ये सारी एनर्जी मिलती है, जैसे सोल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये तीन ऐसे हैं, मतलब तीन से ज़्यादा ही हैं वैसे, टाइडल एनर्जी भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है हमारे पास, ठीक है, विंड एनर्जी भी है हमारे पास, बहुत सारी एनर्जी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप जानते हैं कोयले के जो भंडार होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं, मैक्सिमम जो किस पे जनरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी किस पे जनरेट कर रहे हैं, कोयले पे, यानी कोल्स पे, क्लियर। चलिए अब आता है कि हमें मिनरल्स मिलते कहाँ से। आपने कहा कि सर आयरन, मतलब ओर से हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आयरन, मतलब जो ओर्स हैं या फिर जो हमारे मिनरल्स हैं, वो प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, वो बन कैसे रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की, तो प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे होगा, देखो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स इस तरीके से समझ लेते हैं हम कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास वोल्केनो हो गया। आप ये सर वोल्केनो क्यों बना रहे हो, अर्थ बता के आ रहे, भाई सुन तो लो यार, समझ तो लो बेटा। हमारे पास जो वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, आप सभी जानते हैं उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा। आप कहेंगे हाँ सर लावा निकलता है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लावा होता है जब तक अर्थ के अंदर रहता है, जब तक वो अर्थ के अंदर है, ठीक है, इनर ऑफ अर्थ है, वो क्या है, मैग्मा, वो होता है बच्चा मैग्मा, मैग्मा होता है। मैग्मा क्या है, मैग्मा है पिघले हुए पत्थर या फिर वो सारे सब्सटेंस जो अर्थ मेंटल के अंदर या क्रोड के अंदर मिलते हैं। अर्थ तीन पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो कोर वाला पार्ट है उसको हम दो टाइप में बांटते हैं, एक है लिक्विड कोर, एक है सॉलिड कोर। लिक्विड कोर जो है वो आपका मैग्मा से फुलफिल्ड है पूरा, और कहा जाता है कि इसी के अंदर सारे सब्सटेंस हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास मिनरल्स मिल रहे हैं, जितने भी रॉक्स हैं, डिब्री है, ठीक है, अर्थ क्रोड की, वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। आपने बहुत बार आग लगाई होगी घर में, मतलब घर में का मतलब ये नहीं घर को फूंक दिया, मतलब बेटा ठंड का मौसम जब आता है तो आप हाथ वाथ सेकने के लिए आग लगाते हैं, तो बेटा तसले में आग लगाई होगी, ऐसे नहीं घर फूंक दोगे आज जाकर, अरे मास्टर ने कहा था भाई ऐसे नहीं करना, दिल पर नहीं लेनी बात, सुनो। बहुत बार आपके अंदर एक अंदर से आपका एक व्यक्ति जागता होगा और वो कहता होगा इसके अंदर पत्थर डाल दें, पत्थर पिघल जाएगा, लावा बनेगा, लेकिन नहीं हो पाता। आप पत्थर डालते हैं, पत्थर जो होता है या फिर जो रॉक होता है छोटा सा, वो बहुत हीट अप हो जाता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है आपकी, बेटा रियलिटी ये है कि पत्थर को पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर भी चाहिए, जो वो वहाँ पर नहीं मिलता उसे। लेकिन अर्थ के इनर पार्ट के अंदर जो हमारा मेंटल क्रोड का पार्ट है, सॉरी, वहाँ पर वो टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी मिल रहा है, जिस वजह से जो रॉक्स होते हैं, जो डिब्री होती है, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है, पिघल जाती है। यही मैग्मा जब बाहर निकलता है वो लावा कहलाता है आपके यहाँ सर। तो जब बहुत सारे पत्थर एक साथ मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं अलग अलग तरीके के मिनरल्स। जैसे ही ये मैग्मा बाहर आता है लावा, ठीक है, लावा बन के बाहर आता है और ये एक जगह पर स्थानांतरित हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है और ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो जब जाकर तब उसको तोड़ा जाता है और उसमें से मिनरल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
ये भी एक फॉर्म है जिससे आपको मिनरल्स मिलते हैं। यानी बेसिकली जो है हमारे मैक्सिम जो मिनरल है हमारे अर्थ क्रस्ट या उससे नीचे हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन से ये बनते हैं, जैसे हमने एक की बात करी, बाकी की भी अब बात करते हैं बच्चे। चलो, थ्रू लिग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनता है, जैसे टिन, कॉपर, जिंक, कर्लिट लेयर्स, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो नदी के द्वारा या फिर अन्य चीज़ों के द्वारा सेडिमेंट्स स्टैब्लिश कर दिए जाते हैं, उससे भी मिलता है कोल, पोटैश, सोडियम सॉल्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, सरफेस रॉक्स, जो सरफेस रॉक्स हैं अगर वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है, वाया विंड, वाया वाटर, वाया रेनफॉल, उससे भी हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। एल्वियल और प्लेसर डिपॉजिट, जब नदी ऊपर से आती है यानी पहाड़ से नीचे की तरफ आती है, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे बेटा, जैसे ही नदी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, पत्थर है, मिनरल्स हैं, ठीक है, रेत है, सिल्ट है, बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, और वो एक तरफ प्रेशर को उस सारी चीज़ों को डिपॉजिट कर देती है। जब वो डिपॉजिट वहाँ पर कर देती है तो वहीं से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है किसी मिनरल्स की, ठीक है। थर्ड है ओशन वाटर, जो कॉमन सॉल्ट है, ओशन वाटर। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो ओशन का वाटर है वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होता है, यही रीज़न है कि आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि मिनरल बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे सर मिनरल ज़्यादा तो बहुत अच्छा हमारी बॉडी के लिए, नहीं बेटा, उसमें मिनरल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी बॉडी को इतने मिनरल की आदत नहीं है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आयरन है, आयरन भी एक मिनरल है, आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब डॉक्टर कहे कि आपकी बॉडी में लोहे की कमी है तो घर जाते लोहे की कढ़ाई चबाना चालू कर दो, या मम्मी से कहा और कीलिक की रोटी बना लो, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। फिर या फिर कड़ी, मतलब जो कुंडी होती है, मम्मी उसकी दही भी दे दो, ऐसा तो नहीं होता, पागल कहेंगे लोग तुम्हें, जाहिल कहेंगे, ठीक है। तो बेटा सिंपल सिनेरियो यही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी अलग तरीके से पहुंचते हैं, वाया वाटर, वाया फूड, ठीक है। हाँ, हम गुलोई की कढ़ाई का यूज़ करते हैं ताकि उसके हल्के फुल्के एक्सट्रैक्शन जो हमारी बॉडी में चले जाए। सेम ओशन वाटर के अंदर क्या है, वही ओशन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल है, जैसे तुम कंज्यूम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको अचानक से इतना मिनरल मिल गया। सेम वही बात है कि अगर गलती से, ठीक है, आप एक भूखा व्यक्ति जो 2 या 3 दिन से भूखा है उसको सीधे ही 5-स्टार होटल में ले जाओ, वो तो बौख ले जाएगा। तो सेम वाला हिसाब है यहाँ पर, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं और एक एक करके इनको क्लियर करते हैं मेरे बच्चे। चलिए, मिनरल जनरली कहाँ पर होते हैं, फॉलोइंग फॉर्म्स में। एक होता है वेन्स और लोड्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं मिनरल्स में कर इन द क्रैक्स, जो उसके क्रैक्स पड़ते हैं, जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं, जो अभी हमने बात करी थी इग्नियस रॉक्स की, उसके जॉइंट्स या फिर उसके क्रैक्स में मिलते हैं बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन दैट। उसके अंदर वो सॉलिडिफाइड यानी जम जाते हैं और उससे मिलते हैं। जो स्मॉलर अक्रेंस आर कॉल्ड, जो छोटे छोटे होते हैं उसको वेन्स कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको लोड्स कहते हैं। मेटलिक मिनरल्स लाइक टिन, जैसे टिन, कॉपर, जिंक और लेड जो है, ये लोड्स और वेन्स में पाए जाते हैं। ये वाले जो मिनरल्स हैं ये क्रैक के नहीं, पत्थरों के अंदर जब क्रैक आ जाता है, ठीक है, जो क्रैक होता है, क्रैक अलग अलग रीजन से आ सकता है। ये वैसे 11th के अंदर आप जाके पढ़ेंगे कि जो पत्थर है, जैसे मेटल्स के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि मेटल को जब हीट कर दिया जाता है तो मेटल थोड़ा फैल जाता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है वो ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है। सेम पत्थर भी क्या है, जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा वो हल्का सा फैल जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो सिकुड़ जाता है। तो इसी के चलते उसके अंदर क्रैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं, जो बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं, जो नदी, जो रिवर बेड्स होती है, रिवर के नीचे जो आपको पत्थर मिलते हैं, ठीक है, ये उनकी बात है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, नदी अपने साथ लाती है और डिपॉजिट्स करती है यहाँ पर। एक्युमुलेशन और कंसंट्रेशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, कुछ सेडिमेंट्री जो मिनरल्स है वो रिजल्ट हैं एवेपोरेशन के रीजंस के अंदर, जैसे जिप्सम, पोटेशियम और सॉल्ट। जिप्सम पोटेशियम आप जानते हैं, राजस्थान के अंदर जिप्सम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है, ठीक है। जिप्सम तो बहुत मिलता है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री वहीं पर स्टैब्लिश है, ठीक है। यहाँ पे वेपरेशन हुआ, पानी उड़ गया और बाकी जो चीज़ें हैं वो रह गई, क्लियर। थर्ड है अनदर, जो दूसरी फॉर्मेशन है वो डिकम्पोजिशन है सरफेस रॉक्स की। ये जो सरफेस पे जो हमें रॉक्स मिलते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, वो सड़ जाते हैं उसको, ठीक है, बाय नेचुरली वो डिकम्पोज होने स्टार्ट होते हैं, तब जाके हमें चीज़ें मिलती हैं। वो रिमूव होता है, जो सॉल्यूबल कंटेंट है वो सॉल्यूट हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ वो हमारे पास आ जाता है, लीविंग एक रेजिडुअल मास वेदर्ड मटेरियल बनता है जिसके अंदर ऑर्थ होता है, जैसे बॉक्साइट, इसी का एक एग्जांपल है। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि गंदगी धुल गई, जो बचा हुआ है वो आपके पास बचा है, वो आपके लिए मिनरल है।
ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं कुछ मिनरल्स ऐसे आकर, और एज एलिवल डिपॉजिट जो एलिवल डिपॉजिट की तरह आते हैं वो सैंड्स वैली के अंदर मिलते हैं, ठीक है, फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, जो हिल के बेस पे मिलते हैं यहाँ पर मिलते हैं। क्यों? जब रिवर ऊपर से आती है तो सबसे पहले जो डिपॉजिशन होती है वो इधर ही होती है, ठीक है, फिर जाके आके जब प्लेन्स का इलाका आता है तो वहाँ पर बाकी की डिपोजिशन स्टार्ट होती है, ठीक है। वैली फ्लोर्स हिल्स जैसे गोल्ड सिल्वर टिन प्लैटिनम ये यहीं पे मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, इन्हें को प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, और कंटेन करते हैं मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, और ये पानी से कोरोड यानी इसके अंदर जंग नहीं लगता। गोल्ड में कभी जंग लगता है? देखा आपको, नहीं सर कहाँ लगता जंग, मजाक कर रहा हूँ मास्टर, तो बेटा नहीं लगता जंग, तो वो भी वही कह रहा है। ओशन वाटर्स, ओशन वाटर जो है कंटेन्स वास्ट क्वान्टिटी ऑफ मिनरल्स, के अंदर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये लार्जर डिवाइड कहाँ से, ओशन वाटर से तो निकालते हो आप जानते हो, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाँ ठीक है, वो आप कहाँ निकालते हो, आप ओशन से ही कंज्यूम करते हो, ओशन का पानी को सुखा के इवेपोरेट करके लाते हैं, ठीक है, ये ओशन वाटर, दिस ओशन बेड्स आर रिच इन मैगनीज नोड्यूल्स, और यहाँ पर मैगनीज नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो मैगनीज है वो ओशन वाटर से ही हमें मिलता है मेरे बच्चे, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें बेसिकली। अब आते हैं रैट होल माइनिंग पे। देखो ऐसा है, बहुत जगह पर अगर आपको चीज़ें मिलती हैं तो जो लोग हैं हमारे यहाँ पर लालच मनुष्य की फितरत में है, ठीक है, लालच जो है मनुष्य की फितरत के अंदर है, तो भाई लालच तो लालच है। अब आपके घर के बाहर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर सोने की खदानें हैं, तो बेटा सीधी बात है, रात ही रात में पूरे घर से लेकर वहाँ तक कि तुम नहर खोद डालोगे कि सोना चाहिए हमें, ठीक है। सेम रैट होल माइनिंग भी वैसी है, जो वाई जो चेरापूंजी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, माइनिंग इज रन बाय फैमिली मेंबर्स, माइनिंग जो है वो परिवार के द्वारा की जाती थी, एक लॉन्ग नैरो टनल बना के जो इलीगल थी, जिसको रैट होल माइनिंग कहते थे। NGT ने इसको इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि ये कहते थे कि भैया इससे नुकसान होगा, आप क्या है पर्यावरण को तो नुकसान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, लालच के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। रैट होल माइनिंग जिसे कहते हैं, पतली नैरो सी सुरंग, ठीक है, बहुत पतली सी सुरंग ये खोदते हुए चले जाते थे, जिससे इनको फ़ायदा होता था, लेकिन इसके अंदर मिनरल तो मिल जाता है लेकिन बेटा जान जाने का खतरा उससे भी ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई हर एक चीज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है, और वो जो लिमिट है वो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो बस फिर लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। चलिए अब आता है माइनिंग। माइनिंग क्या है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल एंड कमर्शियली वायबल मिनरल्स बाय डिगिंग डाउन द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जो एक्सट्रक्शन है, क्या एक्सट्रक्शन करना है मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, क्या निकालना, ठीक है, ऑफ यूजफुल, जो यूजफुल जो ज़रूरी है, जो कमर्शियली वायबल है, जो कमर्शियली नीडेबल है, जो मिनरल्स है, जब बाय डिगिंग डाउन द अर्थ, यानी ज़मीन को खोद कर उसमें से अपने इस्तेमाल करने लायक जो मिनरल्स हैं उनको निकालना क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? माइनिंग कहलाता है मेरे बच्चे। चलिए हजार्ड्स ऑफ माइनिंग की बात करते हैं कि माइनिंग इतनी खतरनाक क्यों है, माइनिंग एज हजार्ड इंडस्ट्री एज द रिसोर्सेज आर डग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय मेकिंग टनल्स, क्योंकि टनल्स या पिट के द्वारा निकाला जाता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं अर्थ की अपर लेयर है, ठीक है, यहाँ से हमने डिगिंग स्टार्ट करी, और ये डिगिंग होते 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 यहाँ तक पहुँच गई, और ये काफ़ी बड़ा मुहाना सा बना था, इस तरीके से ये फैलता चला गया, ठीक है। अब क्या है, जो टनल है, जो पिट है, ये खतरे की निशानी है। क्यों? आप बेशक इसको सपोर्ट कर देंगे कि सर हमने सपोर्ट कर रखा है यहाँ पर, हर जगह पर जाकर हमने फट्टा लगा रखा है, लेकिन बेटा भूकंप का आना, क्योंकि इसके अंदर माइंस का जो यूज़ किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो लैंड माइंस का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर जो TNT यूज़ किया जाता है, इसके अंदर जो डायनामाइट यूज़ किया जाता है, उससे भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जब TNT या डायनामाइट जब फटता है तो आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। समझ के देखो, आप आगे टनल बना रहे हैं, आपने डायनामाइट यहाँ फोड़ा, और गलती से कि जो मतलब आपने तो वैसे ही यहाँ पर बेड़ा गर्क किया हुआ है, और गलती से ये जो टनल है इसकी सारी चीज़ें टूट गई हैं, वो कंपन से भूकंप के तरीके से वेव्स से ये चीज़ें बैठ गई, तो पूरी की पूरी टनल दब जाएगी, और इंसान का तो नुकसान, मतलब देखो पैसा का नुकसान तो है, लेकिन इंसान की जो मृत्यु है, जो इंसान की जान है, ठीक है, एक व्यक्ति की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी चली जाएगी। ये हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है इसके अंदर बेसिकली,
ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर हर एक वर्कर्स को पता है कि जान जाने का खतरा है और हाई ड्यू टू लीकेज ऑफ पॉइजनस गैसेस, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि गैसेस लीक हो जाती हैं इसके अंदर, पॉइजनस गैसेस लीक हो गई, फायर्स, फ्लडिंग वाटर, ठीक है। जैसे कोयले की जो खदान होती है उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है पानी का, क्योंकि अगर एक बार पानी भरना चालू हुआ कोयले खदान में तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो कोयले की जो खदानें हैं वो बड़े तसव्वुर से, उन्हें बड़े शांति तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि हल्का सा आपका एक अलग फटका, ठीक है, पूरी की पूरी टीम को लिए भागेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग में आता है, ठीक है। कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ्स, की भैया माइन रूफ्स जो है वो भी कोलैप्सेशन की तरफ चली जाती है, कोलैप्सेशन हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट वर्कर्स हैव ऑल्सो फेस टू हेल्थ इशूज़, के अलावा हेल्थ इशूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। आप एक टनल के अंदर रह रहे हैं, 6-6 महीने से 5-5 महीने से काम कर रहे हैं, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी आई साइट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपको मेजर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। जैसे आपने KGF देखी होगी, KGF के अंदर आपने देखा होगा जो मज़दूर थे उनसे जो काम कराया जा रहा था, तो मैक्सिमम जो मज़दूर थे वो कमज़ोर थे और उनकी मरने की हालत हो गई थी। आप कहेंगे सर हाँ, लेकिन जब रॉकी भाई आए थे उन्होंने जीवन सुधार दिया था। बेटा जीवन सुधारने के बाद भी तो हमने एक चीज़ देखी होगी कि उनकी हेल्थ पे जो है वो असर आज भी वो काम था, क्यों, चीज़ें ऐसे ही चल रही, समझ रहे हो बात को। अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन की जो यूसेज है ये बेसिक मिनरल है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ का एक मिनरल है, ठीक है, डेवलपमेंट का बैकबोन है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सभी को जो रॉ मटेरियल है वो आयरन इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कराती है। जब तक आयरन इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन नहीं करेगी तो बाकी सारी इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो ये आयरन भेजती है उसी से मशीनें डेवलप होती हैं, उसी से बाकी सारी चीज़ें डेवलप की जाती है मेरे बच्चे, ठीक है। जिसके इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, क्या होता है, मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट। और मैग्नेटाइट के अंदर 70% आयरन होता है जो एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आता है हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर के अंदर 50-60% होता है, मतलब उससे कम होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल आयरन ओर, यानी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ही यूज़ किया जाता है। जो प्रोडक्शन स्टेट की बात करते हैं, उड़ीसा 52% प्रोडक्शन करता है आयरन ओर की, छत्तीसगढ़ 60%, कर्नाटका 14%, झारखंड 11%। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है इसकी बेल्ट्स क्या हैं, इसकी बेल्ट्स 4 मेजर बेल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 4 मेजर बेल्ट कौन कौन सी है, एक है उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो बलरामपुर माइंस के पास है, यहाँ पर हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर पाया जाता, क्लियर। सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, या फिर बैलाडेला माइंस जो सुपर हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट, हेमेटाइट डिपॉजिट की बात करता है बैलाडेला रेंज के अंदर। आयरन फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया, और जो आयरन ओर है वो यहीं से जापान और साउथ कोरिया भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बल्लारी चित्रदुर्ग, ठीक है, चिकमंगलूर तुमाकुरु बेल्ट कर्नाटका के अंदर, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। कुद्रेमुख माइंस एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी सारा का सारा सामान बाहर ही बेचती है। जो आयरन इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी टू अ पोर्ट नियर मंगलोर, और जो आयरन ओर है वो उसको स्लरी के रूप में, यानी आप जानते हैं स्लरी यानी कीचड़, जो दलिया टाइप में होता है ना, जो दलिया देखा था ना कभी, लिक्विड दलिया, उस टाइप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, ओर्स आर नॉट वेरी हाई, यहाँ पर हाई क्वालिटी का ओर नहीं है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमागांव पोर्ट, जो आयरन ओर है वो मारमागांव पोर्ट से भेजा जाता है, क्योंकि हम आयरन ओर के अंदर काफ़ी रिच है, अब बहुत है वहाँ पर, बहुत है भाई वहाँ पर बहुत है। जैसे कुद्रेमुख, एक कन्नड़ का कुदरे का मतलब होता है हॉर्स, क्या होता है हॉर्स, जो हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की ऑफ द कर्नाटका, रिजेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स, वो किसकी तरह दिखता है, वो घोड़े की मुंह की तरह दिखता है। सिमिलरली जो बैलाडीला हिल्स है वो किसके हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हैंस इट्स नेम, वो किसकी तरह, ऑक्स के हम्प की तरह, यानी जो बैल होती है उसकी कुबड़ की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है हमने, बैलाडीला, ठीक है। और कन्नड़ के अंदर जो कुदरे है, यानी कुदरे मुख जो माइंस है वो इस वजह से रखा है, क्योंकि जो पहाड़ का जो मुख है वो घोड़े की तरह रखता है, यानी कुदरे, यानी जिसका मतलब होता है हॉर्स, ठीक है, कुदरे मुख, कुदरे मुख यानी हॉर्स का मुख, मुख मतलब मुंह, समझ में आ गई बात। और सर सर क्या बात है सर, क्या मज़ा दिला दी सर आपने, आ रहा है सर सर, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो, बॉक्सेस में लिख के भी चीज़ें। मैगनीज यूजेज क्या है, यूजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील में यूज़ होता है मैक्सिमम जो मैगनीज है।
ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड और पेंट के अंदर भी मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हाई होती है और काफ़ी अच्छी से की जाती है मेरे बच्चे। क्लियर। अब आता है कॉपर। कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, ठीक है, क्योंकि कॉपर आपने देखा होगा आपके घर के अंदर, अगर एसी हो या पंखा भी होगा, ठीक है, तो या फिर फ्रिज भी होगा आपको, तीनों में से कुछ तो होगा भाई, ऐसा तो नहीं कि तीनों में से एक भी चीज ना हो जाना, ठीक है। उस पर ना एक स्लिप लिखी होगी, ठीक है, स्लिप पे लिखा होगा 100% कॉपर। 100% कॉपर का मतलब क्या है? उसके अंदर जो वायरिंग की गई है, उसके अंदर कॉइल्स फॉर्मेशन की गई है। आप जानते हैं सभी कि आप ना जो कॉपर की कॉइल है उससे आप मशीन जनरेट करते हैं, तो सेम वही वाली कॉइल की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर किसका यूज़ होता है? कॉपर का यूज़ होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैलेबल डक्टाइल है और गुड कंडक्टर है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले कहते थे जो कॉपर के बर्तन के अंदर, तांबे के बर्तन में अगर पानी पियोगे तो अच्छा रहता है, तो वही कहते थे। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा? एमपी है, जहाँ पे बालाघाट है, झारखंड है जहाँ सिंहभूम है, राजस्थान जहाँ पर खेतड़ी है। खेतड़ी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, खेतड़ी जो है वो आपको हड़प्पा काल से, ठीक है, आपको कॉपर प्रोवाइड करा रहा है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से ही यहाँ से कॉपर की जो लेन देन है प्रक्रिया चल रही है खेतड़ी से। क्लियर। अब आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर का एक सब्सिट्यूट बन के सामने आया, कॉपर का एक सब्सिट्यूट बन के सामने आया, क्योंकि हर जगह कॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे अगर आप देखेंगे, बहुत सारे आपने वायर्स देखे होंगे जो छोटे और पतले वायर्स होते हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, लेकिन जो हैवी लोड के वायर होते हैं उसके अंदर कॉपर ही यूज़ किया जाता है। तो भाई कॉपर ज़्यादा खर्च ना हो, इसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल कराया गया वो कराया गया एल्यूमिनियम, जो और बॉक्साइड से निकलता है। इसकी स्ट्रेंथ आयरन की तरह है बट एक्सट्रीम लाइट वेट, लेकिन बहुत हल्का होता है। ग्रेट मैलेबिलिटी और कंडक्टिविटी, इसकी मैलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण जो एल्यूमिनियम है वो किस में यूज़ किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा 49%, गुजरात है 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%। क्लियर। अब आता है माइका। ये माइका वो नहीं है वे, माइका वो वाला नहीं है, नानी का घर नहीं भाई, माइका वो नहीं, माइका कुछ और है माइका, ठीक है। ये एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। लो पावर लॉस फैक्टर है, इसके अंदर पावर बहुत कम जाती है। आप जानते हैं जब पावर को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके अंदर जो पावर है वो बिखर जाती है। ड्यूटी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस है। इट इज़ वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज दोनों में यूज़ किया जाता है मेरे बच्चा, ये दोनों में यूज़ किया जाता है। इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कोडरमा है जो गया, हजारीबाग बेल्ट है जो बिहार झारखंड में मिलती है, सेकेंड है अजमेर जो राजस्थान में है, एक है नेल्लौर जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? नेल्लौर जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। क्लियर। चलिए, सिक्स्थ है लाइमस्टोन। सिक्स क्या है? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। यूजेस क्या है इसकी? मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है लाइमस्टोन, यानी जो आप समझ रहे हैं वही है, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। बेसिक रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, सीमेंट इंडस्ट्री का, यानी इसके बिना सीमेंट इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है। और इसेंशियल है स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, अगर आप आयरन ओर की स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, सबसे टॉप पे है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और प्रोड्यूस भी वहीं पे होता है। राजस्थान में क्यों किया जाता है ये बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर बेसिकली आपके पास मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्रीज है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है बॉक्साइट। क्या है बच्चा? बॉक्साइट, ये फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स, अलग अलग रॉक से बनता है विच इन जिसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। लीडिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट जो प्रोडक्शन के जो स्टेट है वो उड़ीसा है, जो 45% टोटल बॉक्साइट की प्रोडक्शन करता है इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद है गुजरात है, झारखंड और महाराष्ट्र है। क्लियर। डेंजर्स क्या है माइनिंग के अंदर? आप माइन करते करते इनको निकाल तो रहे हैं, लेकिन इनका खतरा क्या? इनका खतरा क्या है? देखो, देयर इज़ कप कलेप्सिंग माइन रूफ्स, की भैया जो माइन रूफ्स हैं वो कलेप्स कर सकती हैं, यानी गिर सकती हैं, ढह सकती हैं। इनोडेशन, फ्लडिंग इन माइंस,
जो माइंस है उसके अंदर बाढ़ भी आती है। बहुत बार देखा गया है कि माइन के अंदर बाढ़ आई और वो पूरा का पूरा बहता चला गया। फायर्स इन कोल माइंस इन कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द माइंस, जो फायर है जो कोल माइंस के अंदर जो आग लग जाती है ये एक नॉर्मल थ्रेट है कि भैया कॉन्स्टेंट थ्रेट है कि भैया ऐसा होता रहता है। इस वजह से भी हमें चीज़ें बचाने की ज़रूरत है। पॉइजनस गैसेज एंड डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स हैं जो इनहेल किया जाता है इसके आपके अलग अलग माइनर्स के द्वारा कर लिया गया, इनहेल किया गया, उनको लंग डिजीज़ हो गई, पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक है, यानी जो फेफड़े से होने वाली जो क्लेश हैं वो हो सकती है। क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ज़रूरी क्यों है? तो भैया अगर ऐसा है तो मत करो माइनिंग, भैया माइनिंग करनी चाहिए तो फिर हम बचाएं क्यों, बचाना क्यों है? तो फॉर्मेशन है मिनरल्स की बहुत लंबा समय लगती है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं मिनरल्स बनने में। ऐसा नहीं है तुम आए तुमने मिट्टी में गाड़ा, अरे हो गया हो गया हो गया, भैया ऐसा थोड़ी होता है। मिनरल लाखों करोड़ों साल लगते हैं मिनरल्स बनने में। तो भैया जितना आप यूज़ करेंगे उतना नुकसान आपके लिए भी है। क्यों आप ऐसे यूज़ ना करें ना कि अगली बार मिलेगा ही नहीं, आप ऐसे यूज़ करें कि भैया आगे भी यूज़ करना है, आगे भी यूज़ करना है। भैया सेम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्या गांधी जी कहते हैं, रिसोर्सेज कैन फुलफिल अवर नीड नॉट अवर ग्रीड। हमारी चीज़ों की जरूरत की पूर्ति है, लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। तो आराम से यूज़ कर लो, क्योंकि तुमने जो ये वर्ल्ड है ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन से उधार ले रखा है, ना कि अपनी जो फोर फादर्स है उनसे दहेज में लिया है। समझ में आ रही है? समझ रहे हो? मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया तो देना तो पड़ेगा ना, ब्याज के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। हम ये सोचते हैं हमारे दादा परदादा दे के चलेगा ज़मीनें हमें, और ये नहीं है। जो आप नेक्स्ट जनरेशन आएगी उससे आपने उधार ले रखा है, आपको उसको देना है और अच्छे तरीके से देना है। दे आर फाइनाइट इन नेचर, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट मतलब ख़त्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब इनको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। जो रेट है रेप्लिशमेंट का मिनरल्स की, ये इन्फाइनाइटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ कंजप्शन। जो रेप्लिशमेंट की जो रेट है वो बहुत कम है। मान के देखिए हम कंज्यूम कर रहे हैं 100, हम कंज्यूम कर रहे हैं 100, रेप्लिश हो रहा है 2, आप हुए हैं बस, ओह यही रेट चल रहा होगा इस वक्त भी, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। अगर आप 100 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो 2 लीटर ही वापस आ रहा है, यानी -98 का लॉस चल रहा है। तो सोच के देखो कितना बड़ा लॉस झेल रहे हैं, ठीक है। जो रेट है रिप्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स इनफाइनाइटली स्मॉल, ये बहुत छोटा है, कंपेयर करते हैं रेट ऑफ कंजप्शन के अंदर जो हमने बात करी। दे हैव टू बी प्रिजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। क्लियर। मेथड्स क्या है? तो अब ये करेंगे कैसे सर, ये भी बता दो बेटा। चलो हम ये भी जान लेते हैं करेंगे कैसे। हमें यूज़ करना चाहिए जो मिनरल्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर्स, कि हमें प्लान करना चाहिए, हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेकर चलना चाहिए एक कंजर्वेटिव मटेरियल के अंदर, कि भैया ये इतना ही यूज़ होगा, इसकी जगह हम कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कॉपर की जगह एल्युमिनियम लिया है, सेम हर एक चीज़ का कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल है, हम उसका यूज़ करें और उसको भी अंधों की तरह यूज़ ना करें, नॉर्मल प्लान तरीके से करें, प्लानिंग लेके चलें। हम क्या लेके चलें? प्लानिंग लेके चलें, ठीक है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी इवॉल्व टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। टेक्नोलॉजीज बढ़नी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि जो हम आयरन ओर या जितने भी ओर्स यूज़ कर रहे हैं लो ग्रेड के, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। मतलब जो हमारे पास जो भी चीज़ हो हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। अगर हमने आयरन ओर भी यूज़ करा है, आयरन ओर भी निकाला, तो हमारे पास ये काम होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम उसकी यूटिलिटी यूज़ कर सकें, ठीक है। रिसाइकिल करना चाहिए जो मेटल्स हैं, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सिट्यूट, जो हमारे पास स्क्रैप्स बच जाते हैं उसको भी हमें रीयूज़ करना चाहिए। अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल, केमिकल, इन सभी प्रोसेसेस के साथ करके उसको रीयूज़ कर लो भाई, रिसाइकिल कर लो उसे, कभी कुछ तो यूज़ होगा। हम कह रहे हैं कि हमने 100 मटेरियल यूज़ करे, तो हम कहते हैं हम 100 को रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 30 को तो रिसाइकिल कर ही सकते हैं। तो 30 से भी तो कुछ ना कुछ असर कम होगा, डिपेंडेंसी तो ख़त्म होगी, 30 तो ख़त्म हुई, 70 बची, इस तरीके से क्यों नहीं यूज़ करें, ठीक है। वेस्टिंग इन माइन, जो वेस्टेज माइनिंग के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मिनिमाइज। जो माइनिंग के अंदर वेस्टेज होता है, हो जाती है, प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेस्टिंग है, इन सबको कम करना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल। भैया एक्सपोर्ट जो मिनरल है उस पर कंट्रोल करो, ऐसे नहीं सारा तुम बाहर लुटा दोगे, ले जा क्या होता है। तो अपने नीड भी फुलफिल करो, आपने एक्सपोर्ट के चक्कर में उसको एक बिजनेस बना दिया है। जब आप नेचर को ही बिजनेस बना दोगे तो भैया नेचर क्या करेगी? नेचर के पास जितना उसने आपको दे दिया, अब आप या तो आप उसको कंज्यूम कर लो या उसको बेचते भागते चलो।
आप बेचिए, एक्सपोर्ट कीजिए, मना नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट एक लिमिटेड वे के अंदर होना चाहिए। अगर आपसे किसी ने पैसा मांगा, इसका मतलब ये थोड़ी अपना घर भर बेच के सारा पैसा उसे दे दोगे भाई, तुम उतना ही तो दोगे जो तुम्हारा स्पेयर होगा मनी, ठीक है। अगर ज़्यादा खास होगा तो तुम्हारी जो सेविंग्स है उसमें से थोड़ा पैसा दोगे, ऐसे थोड़ी है, ले भाई मेरी पूरी सेविंग ले जा, ये मेरे घर के कागजात ले जा, ये मेरे ससुराल के कागज भी ले जा, ये मेरे मायके के कागज भी ले जा, सब बेच दे, सब बेच दे, गाड़ी बेच दे, सब ले जा भाई, तू ऐसे थोड़ी करते हो, नहीं करते ना। तो ये कंट्रोल होना चाहिए सारे एक्सपोर्ट पे कि भैया सारी चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, कुछ चीज़ें हम भाई कंज्यूम करें, हम भी यूज़ करें, हम उनको एज इट इज़ रखें, ठीक है। अगर हमारे पास 100 है तो हम 10 या 20 का एक्सपोर्ट करें, बाकी चीज़ें हम सेव करके रखें ताकि हमारे जो नेशन है उसको जब नीड पड़े तब भी यूज़ हो पाए, या फिर हम जो यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर इन फ्यूचर उसकी कमी ना पड़े, उसकी कमी ना पड़े, क्लियर। तो चलिए क्लास अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आता है पावर मिनरल्स, क्या आते हैं बेटा, पावर मिनरल्स। तो चलिए भाई चलते हैं हमारे पावर मिनरल्स पे। कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे पहला था कोल। आप सभी जानते हैं कि कोल कितना इंपॉर्टेंट है, कोल की इंपॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहला ये फॉसिल फ्यूल है, ये हमें फॉसिल से मिलता है, यानी जितने भी हमारे पुराने जानवर हैं जो ज़मीन के अंदर धरती के अंदर दब गए हैं उससे मिलते हैं। लिग्नाइट कोल एक इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब ये तीन तरीके से बांटा जाता है, एक होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट जो कोल है ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिटुमिनस कोल जो है मोस्ट पॉपुलर है कमर्शियल यूज़ के लिए, और एंथ्रेसाइट जो होता है वो हार्ड कोल होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो हमारे पास बेसिकली इसके पड़ते हैं, एक है गोंडवाना, एक है टर्शरी। गोंडवाना जो कोल है वो 200 मिलियन ईयर से पुराना है, जो वेस्ट बंगाल झारखंड के अंदर मिलता है। टर्शरी जो कोल है वो नया है, न्यूली है, अभी 55 मिलियन ईयर से, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के अंदर मिलता है, ठीक है। अब है कोल के कौन कौन से जो चार टाइप है जो अभी हम बात करके आए थे, सिर्फ हमने तीन की बात करी थी, एंथ्रेसाइट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और होता है, ठीक है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं पीट, जिसको हम कहते हैं पीट। पीट बुक में नहीं है लेकिन स्टिल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ी नॉलेज में जाता गया है। एंथ्रेसाइट जो है हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है जो हमने पढ़ा, इसके अंदर कंटेंट्स होता है 80% कार्बन कंटेंट होता है और ये बहुत कम स्मोक देता है, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी एंथ्रेसाइट की क्वालिटी है। फिर आता है बिटुमिनस, ये मोस्ट पॉपुलर कोल है जो कमर्शियल यूज़ किया जाता है, 60-80% कार्बन का कंटेंट होता है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड ऑफ बिटुमिनस कोल, जो मेटलर्जिकल कोल होता है वो हाईएस्ट ग्रेड का होता है, बिटुमिनस कोल होता है, एंड ऑफ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, और ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिग्नाइट, ये लो ग्रेड का ब्राउन कोयला होता है, यानी भूरे कलर का कोयला होता है, इसके अंदर मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉफ्ट और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। द मेन लिग्नाइट रिजर्व ये नेवेली तमिलनाडु के अंदर मिलता है हमें बेसिकली, ठीक है, नेवेली नहीं, तमिलनाडु के अंदर जो नेवेली है जो आपको मैप में भी दे रखा है वहाँ पर मिलेगा आपको। पीट ये लो कार्बन है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इट हैज़ लो हीटिंग कैपेसिटी, इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी कम होती है और स्मोक बहुत ज़्यादा करता है, क्लियर। कहाँ कहाँ मिलते हैं, जो हमने दो बात करी कि जो दो जगह मिलता है वो कौन कौन सी बेटा, एक है गोंडवाना कोल बेल्ट, एक है टर्शरी कोल डिपॉजिट। अगर हम गोंडवाना कोल बेल्ट की बात करें, ठीक है, 200 मिलियन की एज का है, 200 मिलियन एज का है, मेनली मेटलर्जिकल कोल इसमें मिलते हैं। दामोदर वैली बेल्ट जो वेस्ट बंगाल झारखंड में है, विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कोल, जो इंपॉर्टेंट कोल्स माइंस है इसके अंदर वो भी आते हैं, झरिया, रानीगंज, बोकारो। सेकंड जो गोदावरी बेल्ट है, ठीक है, और तीसरी जो है मानदी वैली बेल्ट है, और चौथी है वारदा वैली बेल्ट। ये चार बेल्ट हैं जहाँ पर आपको गोंडवाना कोल मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, पहले बहुत पहले याद करो, मैंने आपको बताया है कि जो पहले पूरी पृथ्वी थी, ठीक है, वो एक साथ जो लैंड का पार्ट था वो एक साथ था, जो पानी का पार्ट था वो एक साथ था, ठीक है, पेंजिया पेंथालासा जिसे हम कहते हैं, वो दो पार्ट में टूटता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड और टर्शरी लैंड, ठीक है, वो इसी का पार्ट है, क्लियर, समझ में बात। चलिए टर्शरी कोल डिपॉजिट जो है वो 55 मिलियन साल पुराना है और ये कंपैरेटिवली यंगर है, क्या है, ज्यू है और यंग है, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। कन्वेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट है पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं आपके पूरे जीवन के अंदर पेट्रोल ही है जो तुम करते रहते हो, कि स्कूटी को लेकर पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप से लेकर घर तक, स्कूटी, पेट्रोल पंप से घर, घर से पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से घर, घर से पेट्रोल पंप, अगर बीच में पड़ जाता है तो घर, कोचिंग, पेट्रोल पंप, घर, कोचिंग, पेट्रोल पंप, कुछ ऐसे समझदार भी होंगे, घर, स्कूल, कोचिंग, पेट्रोल पंप, ठीक है, और कुछ आएंगे दोस्त का घर, अपना घर, कोचिंग,
पास ले जा भाई, अब तो पेट्रोल पंप पे खुद भरा ले, ऐसे भी होंगे कुछ, ठीक है। पेट्रोलियम ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है इंडिया के अंदर कोयले के बाद, क्योंकि कोयले से हम सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यही लुब्रिकेंट मशीनरी के अंदर यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर, रॉ मटेरियल है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी ये क्या है, रॉ मटेरियल है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ये नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और तो और क्या है, आप जानते हैं जो आप लाली लिपस्टिक लगाते हैं, जो आप लोशंस यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली। समझ में बात, चलिए। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं हमारे पास, मुंबई हाई है, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर है, असम के अंदर डिगबोई है, नारकटिया है, ठीक है, मुरान है, हुगली जन है, ठीक है। ये मेना और मुंबई हाई इंपॉर्टेंट है मैप के अकॉर्डिंग, मुंबई हाई है और डिगबोई है असम के अंदर, जो असम का अगर इस तरीके से पार्ट देखें तो डिगबोई इधर की साइड पड़ता है, क्लियर, इधर की साइड पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अकरेंस क्या है, पेट्रोलियम बनता कैसे, बनता कीजिए पेट्रोल। मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से, इंडिया से एसोसिएट होता है, एंटीक्लाइन से, फॉल्ट ट्रैप से, जो रॉक फॉर्मेशन जो टर्शियरी एज के अंदर बने, टर्शियरी एज के अंदर जो चीज़ें बनी उसके अंदर जो गैप बने, दरारें बनी उसके अंदर फॉसिल जमा हुए, उस तरीके से बनती है। इन रीजन फॉल्ट जो फोल्डिंग एंटीक्लाइन से, इट अकर्स व्हेन वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रस्ट ऑफ द अपफोल्ड, यानी जो अपफोल्ड की जो क्रस्ट है उसके अंदर जो है पेट्रोल ट्रैप हो गया। जो ऑयल बेयरिंग लेयर है ये पोरस लाइमस्टोन की तरह या सैंडस्टोन की तरह काम करते हैं, थ्रू विच ऑयल में फ्लो, जहाँ से ऑयल बह सकता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स, ये फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है बिटवीन पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के, जो पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स होते हैं उसके बीच भी इसको फाइंड किया जा सकता है, क्लियर। कन्वेक्शनल सोर्स के अंदर अब आते हैं, जो कन्वेक्शनल सोर्स है जिनको हम बचा सकते हैं, जो हमें मतलब ऑप्शन अवेलेबिलिटी की तरह है जिसको हम यूज़ करें। पहला है नेचुरल गैस, यूजेज क्या है, सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का सोर्स है। रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल यूजेज के अंदर यूज होता है, ठीक है, व्हीकल फ्यूल की तरह यूज होता है। मेजर जो गैस पाइपलाइन से, जो आर्टरी पाइपलाइन है 1700 किलोमीटर के लिए है, हजारी विजयपुर जगदीशपुर, जो लिंक करती है मुंबई हाई बसीन विद द फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, यानी पूरे उत्तर से दक्षिण भारत को ये आराम से मस्त घेर के, वेस्ट मतलब वेस्टर्न सॉरी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको ये कश्मीर तक होते हुए पूरा घेर लेती है, क्लियर। सुनिए बात, चलिए। प्रोड्यूसिंग स्टेट है कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खम्बात की खाड़ी और अंडमान निकोबार, ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जहाँ से हम नेचुरल गैस निकालते हैं। अब आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसकी बात हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कोल से जनरेट की जाती है, जो बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही जनरेट की जाती है, जिसको टर्बाइंस के थ्रू स्टीम और टर्बाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, आप जानते हैं जैसे दिल्ली के अंदर राजीव गांधी आई थिंक पावर प्लांट है, जो उसके अंदर कोयला यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोयले से एनर्जी जनरेट की जाती है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो आज भी कोयले से ही जनरेट हो रही है। वो किससे जनरेट हो रही है, कोयले से ही जनरेट हो रही है। प्रोड्यूसिंग स्टेट दिल्ली है, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, यूपी के अंदर पंकी है, तमिलनाडु में नेवेली है और बहुत सारी जगह। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या सिर्फ हम कोयले से एनर्जी बनाते हैं, नहीं, हम कोयले के अलावा पानी से भी एनर्जी बनाते हैं बेटे। इन दिस बाय मेकिंग डैम्स, हम डैम्स बनाते हैं, हमने डैम्स बनाते हैं। डैम से क्या होता है, सर डैम से पानी रुकता है, पानी को क्या करते हैं, पानी का जो फ्लो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो ऊपर से नीचे टर्बाइन की तरफ घुमाते हैं, और जो टर्बाइन होती है वो राउंड राउंड घूमेगी, उसमें मैग्नेट होते हैं, कॉपर होती है, जो इंसुलेटर की तरह काम करती है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर जाती है और जमा हो जाती है, लेवल रेज किया जाता है और उसको ऊपर यानी ऊपर लेके जाते हैं और गिराते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट, ये इसके कुछ एग्जांपल है जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमने वाटर रिसोर्स के अंदर पढ़ा था कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसके अलावा भाखड़ा नागल हो गया, बहुत सारे ऐसे जो डैम्स बने हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट है एटॉमिक एनर्जी, कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, यूजेज क्या है, इन दिस लार्ज अमाउंट हीट की, जो लार्ज अमाउंट एनर्जी जनरेट की जाती है बाय हीट एनर्जी इज जनरेटेड बाय मटेरियल, जो यूरेनियम थोरियम केमिकली, मतलब ये सिंपल सी वही बात है, जो आपके पास एटम होता है, आप सभी जानते हैं एटम्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, एटम से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जानते हैं एटमिक बम एनर्जी का ही एक विस्तारित रूप है, मतलब
एनर्जी तो निकल गई। तो हम क्या करते हैं, उन एटम से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे चेर्नोबिल, चेर्नोबिल जो रिएक्टर था उसके अंदर आप न्यूक्लियर से एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे और वहीं से रिएक्शन होती है। तो हम एटम से भी एनर्जी जनरेट करते हैं, बट हमारे पास इस वक्त प्रॉपर वो फंक्शनिंग नहीं है जिससे हम पूरी तरीके से एटॉमिक एनर्जी पर अपना दबदबा कायम कर पाएँ। तो इसलिए हम इसको थोड़ा अलग रख के चलते हैं, क्लियर। जैसे यूरेनियम थोरियम है, केमिकली फॉर्म हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेट बाय टर्निंग द टर्बाइन, टर्बाइंस को घुमा घुमा के एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में कक्करपारा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में कईगा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है। ये हमारे एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज हैं जहाँ से हम एटॉमिक एनर्जी मिल रही है। आप कहेंगे हाँ सर मिल तो रही है, लेकिन बेटा ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप सोचते हो कि सर एटम्स तो बहुत है, थोरियम यूरेनियम यूज़ करते रहेंगे। बेटा हर एक चीज़ की एक लिमिट भी होती है। एटॉमिक एनर्जी जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है उससे ज़्यादा तबाही भी मचा सकती है। इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे हमें ह्यूमंस भी तो देख रहे हैं कि ये तुम्हारी एनर्जी एनर्जी के चक्कर में पता चले पूरा देश उड़ा दिया तुमने, भैया ये भी तो ज़रूरी है बच्चे। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भैया धूप, धूप आओ 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 आओ, तो धूप से एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं सोलर पैनल्स होते हैं हमारे पास छतों पर, आजकल बहुत सारे लग रहे हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के अंदर क्या होती है, ठीक है, आप जानते हैं सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो एनर्जी जनरेट करते हैं और उस एनर्जी को आप घर में यूज़ करते हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करती है, क्लीन सोर्स है, ठीक है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इंडिया के अंदर जो माधोपुर भुज के अंदर लगाया गया है, क्लियर। फिर आती है विंड एनर्जी, हवा से भी हम टरबाइन घुमाते हैं। आप जगह वो पंखे से घूमते रहते हैं करके, वो क्या है यूँ तो नहीं घूमते, ठीक है, लेकिन हवा उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। जो विंड मिल्स है वो टर्न होती है पावर ऑफ विंड्स टू टर्न द टरबाइन, टरबाइन जो उसके अंदर होती है वो घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर एक बैटरी के अंदर जाती है, फिर वो बैटरी से आप यूज़ करते हैं, क्लीन सोर्स है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या, तमिलनाडु, नागरकोल टू मदुरई, राजस्थान, जैसलमेर, आंध्र प्रदेश के अंदर कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी के अंदर यूज़ हो रहा है। बट बेसिकली जो है वो तमिलनाडु के अंदर जो मदुरई और नागरकोइल के अंदर है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है, और बेहतरीन जगह है। जब मैं गया था मज़ा आ गया था इसको देख के, आह। फिर आता है बायोगैस, ये वही बायोगैस है जिसका जिक्र बहुत बार किया गया है, ठीक है, जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हैं कि भैया नाले में पाइप डाला गैस आ गया, ठीक है। तो जो गोबर गैस प्लांट होते हैं वो उसका एग्जांपल होता है। क्या होता है, जो गोबर गैस होती है, जो गैसेज होती है, मीथेन की गैस उठती है, उठेगी, उसे पाइप के थ्रू कन्वर्ट कराया जाएगा और भेज दिया जाएगा, ये यूज़ कर लो, ठीक है। बहुत जगह पे इसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, और इससे क्या होता है, गांव के अंदर बहुत आसानी हो गई, क्योंकि गांव के अंदर कोयला लकड़ी यूज़ होती थी, अब क्या होगा, अब ये इसका यूज़ करने लगे। इससे क्या है, आप नेचर को फ्री रखेंगे, जो नेचर है उसके अंदर वो पॉल्यूशन फ्री रहेगा, आराम से सही मस्त चीज़ें चल रही होती, कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं, ठीक है। यूजेज, जो डिग्रेडेशन है ऑर्गेनिक मटेरियल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, थर्मल एफिशिएंसी इज मोर इन कंपेयर टू केरोसिन, डंकेक और चारकोल, चारकोल, ठीक है, उपले या केरोसिन से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। बहुत अच्छी हीट मिलती है और प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लीन का मतलब है जब इसकी फ्लेम उठती है तो इसके अंदर सिर्फ ब्लू कलर आता है, येलो नहीं आता। आप जानते हैं येलो कलर जितना ज़्यादा होता है उतना माना जाता है कि उसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स वो ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा हीट हो रहे हैं। ये रूलर के लिए एक बून है, यानी आप जानते हैं वरदान के तौर पर आया है, ठीक है। रेसिड्यूज आर यूज एज मैन्योर, जो रेसिड्यू जो बची कुछ चीज़ें होती है उसको मैन्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है। गैस लैंप्स की लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। फिर आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल यानी जो हमारे पास टाइड्स आते हैं उसकी एनर्जी को भी हम स्टोर करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। ओशन की जो वेव है, जो टाइड्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी ओशन की वेव्स हैं, जैसे ऊपर से नीचे आती है, नीचे टर्बाइन होती है, गिरेगी टर्बाइन घूमेगी और बिजली जनरेट हो जाएगी। प्रोड्यूसिंग स्टेट है गल्फ ऑफ कैम्बी, यानी खंबात की खाड़ी, कच्छ, गैंगेटिक डेल्टा, जो गंगा का जो डेल्टा है सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर भी जब तूफान आते हैं तो जो टाइड हैं, टाइड क्या करते हैं, जैसे ऊपर नीचे आएंगे टर्बाइन होती है तो एक साथ घूमती है, जैसे ही घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती चली जाती है, मेरे बच्चे, क्लियर है। इसके बाद है जियो धर्मल। अभी हम कुछ मिनट पहले ही पढ़ के आए हैं, क्या आपको मैंने बताया कि जो अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर वो हाई होता है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो जो हीट है वो कहीं तो निकलेगी, और उसको, उस हीट को भी हम यूज़ करते हैं। जियो थर्मल एनर्जी वही बता रहा है, जो यूजेज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग हीट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी हीट है। इसके एग्जांपल बताता हूँ, आपने गर्म पानी के झरने देखे होंगे या सुने होंगे कि गर्म पानी का झरना है,
वो क्या है, वो जो अर्थ की जो हीट है वो बाहर आ रही है, जो पानी है उसको गर्म कर रही है, जो रॉक्स हैं उनको गर्म कर रही है। क्लीन सोर्स एनर्जी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण है, लद्दाख में कोगा वैली है, जो इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको गर्म पानी मिल जाएगा। आप वो तो सर सर्दियों में वहीं चले जाएँ, पर मुँह को पागल भी हो क्या, घर में रोड लगा लो यार, जितना तुम जाओगे ऊपर से पानी लेके आओगे तब तक तो पानी गर्म हो जाएगा रोड से। यार क्या बातें कर रहे हैं भाई, कैसी कैसी बातें करते हैं आज के बच्चे। न्यूक्लियर एनर्जी तो ऑब्टेन की जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ऑल्टर करके, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है अल्टरेट किया जाता है। टू मच एनर्जी रिजल्ट होती है हीट के तौर पे, जो हीट है इसको यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर के तौर पे। यूरेनियम थोरियम ये यूज़ किया जाता है इसके अंदर। जो मिनरल्स है ये झारखंड और अरावली रेंजेस के अंदर राजस्थान की बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। अब आता है नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड मिनरल। क्यों, क्या नीड है, मैं नीड जरूरत क्यों है, क्योंकि भैया हम हाई रेट पर कंजप्शन कर रहे हैं, हम दबा दब यूज़ करे जा रहे हैं, एकदम ढका कर जा रहे हैं। हमने तो ये सोच लिया कभी खत्म ही नहीं होंगे, करे जाओ यार यूज, आन दे पेट्रोल, आन दे यार कोयला, आन दे यार भाई कर लो यार आराम से। ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही, कहाँ जा रहा बेटा? अरे वो पास की दुकान पर लेने जा रहा हूँ वो बिस्कुट। तो बेटा गाड़ी क्यों लेके जा रहा? मम्मी पैदल नहीं चल जा रहा, टांग में दर्द हो रहा। अब यार 100 मीटर की दूरी पर दुकान में चले जाए पैदल, यार 1-1 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते। नहीं राजा बाबू, तुम तो गाड़ी लेके जाओगे, स्कूटी के बिना आप पैर नहीं रखोगे। कहता हाँ सर हम तो हैं, हमारे पास पैसा है, आपके पास नहीं है तो आप पैदल जाओ, हम क्यों जाएंगे भाई मूर्ख प्राणी। ठीक है जितना तुम पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करोगे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगा, तो सर हम क्या करें, हम तो अभी जी रहे हैं। अरे मेरा भाई अभी जी रहा है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में आग लगा देगा, तो अभी जी रहा घर बेच दे। भाई मेरे और मेरी बहनों दोनों सुनो, प्यार मोहब्बत वाली बात है, पेट्रोल कम से कम यूज़ करें, जहाँ तक हो सके पैदल चले। वैसे तुम जानते हो बहुत हार्ट अटैक चल रही है मार्केट के अंदर, तो इतनी दिल पे लेने वाली बात नहीं है, आराम से चले। ठीक है गाड़ी गाड़ी है चलाओ, मना नहीं किया, लेकिन बिना बात के काहे चला रहे हो भाई, काहे भाई, जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो। तुम तो नहीं सर हम क्यों जाएंगे, बस हम तो राजा बाबू हैं, हम तो गाड़ी लेके जाएंगे। अरे भाई तू गाड़ी लेके चले जा, लेकिन इस तरीके से लेके जाएगी उसके अंदर 4 या 3 लोग और चले जाए तो सर टैक्सी बना लेता हूँ मैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे जो दिमाग में चल रही है वही सारी चीज़ चल रही है। तो मेरे भाई सिंपल सा सिनेरियो है कि भाई जब आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा दूर जाना है, तो हमारे पास फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, तो आप कार लेके जाइए। ठीक है अगर आप अकेले जा रहे हैं तो जहाँ तक हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो हर जगह मेट्रो घुसी पड़ी है, पता नहीं जहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ पर भी जा रहे हैं मेट्रो वाले। तो भैया मेट्रो का यूज़ करो यार। ठीक है बहुत सारी और चीज़ें हैं दिल पे ले रहे हैं बात। लिमिटेड रिजर्व्स है हमारे पास, लिमिटेड है रिजर्व्स, ऐसे नहीं पेट्रोल हमारे पास अंधी क्वालिटी के अंदर है। ठीक है अरे करे जाए यार कभी खत्म, अरे हम पैसे वाले लोग हैं भैया, पैसे पैसे का चार डालना है, पेट्रोल ही नहीं बचेगा, धरती से पेट्रोल नहीं होगा, पानी डाल के चलाएंगे गाड़ी, कर सर मिट्टी का तेल डाल के चलाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा बेटा, कछु ना मिलेगा तुम्हें। लो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, ये बहुत देर में यानी बहुत लाखों साल लगते हैं इनको दोबारा से जनरेट होने में। इल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पोल्यूशन इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है। इम्पोर्टेंस क्या है एनर्जी की, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, सभी के लिए चाहिए हमें एनर्जी, ये खाना बनाने से लेकर लाइट हीट प्रॉपर व्हीकल्स ड्राइविंग मशीनरी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी चलाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो वही बचाना तो पड़ेगा ना। ठीक है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको विदाउट एनर्जी आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। हर एक सेक्टर जो नेशनल इकोनॉमी है, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट कॉमर्स, नीड्स ग्रेट इनपुट्स एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड्स है। आप बिना एनर्जी के तो आप खुद नहीं चल सकते, आप जब तक खाना ना खाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप कैसे मान लें कि आपकी जो मशीनरी है जो आपका पूरे इकोनॉमिक सिस्टम है वो चल सकता है। एनर्जी डिमांड करती है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि एक फॉर्म हमें इलेक्ट्रिसिटी के आर ग्रोइंग बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड अप्लाइंसेस, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ इलेक्ट्रिक आ गई है। आप जो गैसेस पहले चलती थी, जो एलपीजी चलती थी, अब वो भी इंडक्शन कुकर्स पे आ गए हैं, हमारे पास इंडक्शन फ्रायर्स आ गए हैं, मतलब एयर फ्रायर्स आ गए हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर जनरेट हो रही है। वही इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट कैसे होगी, आपके पास कोल भी जो रिजर्व एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है कोल का जो रिजर्व वो भी लिमिटेड फॉर्म के अंदर है। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करनी है तो आपको ऑप्शन अवेलेबल जो है उसके लिए, चाहे सोलर हो चाहे टाइडल हो,
इन सभी की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर आप इनकी तरफ मूव नहीं करेंगे तो आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिजर्व्स नहीं है, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, कंजप्शन रेट बढ़ता है। कंजप्शन रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो एक लिमिटेड फॉर्म में है। जब एक चीज़ हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में और बाकी दूसरी की चीज़ हाई जा रही है तो सीधी बात है एक टाइम पे अगर वो एंड हो जाएगी, और एंडिंग से पहले का सिनेरियो क्या होगा कि उस चीज़ को यानी जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको सिर्फ वही कंज्यूम कर पाएगा जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा या जो उसको खरीदने के काबिल होगा, बस उसके अलावा कुछ कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। वरना आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि जब चीज़ें कम होती हैं, जब चीज़ें लिमिटेड होती हैं तो वो महंगी बहुत होती हैं, और जो महंगाई होती है तो बेटा वो सबकी कमर तोड़ती है। सिर्फ वही कामयाब होता है जिसके पास पैसा होता है। आप कहोगे तो सर हम पैसा कमा लेंगे। अरे भैया पैसा कमा लोगे लेकिन कितना, बैंक में डाका डालोगे कि मेरे भाई? तो इससे बढ़िया, इस सिचुएशन में पहुंचने से बढ़िया है कि आप अपने रिसोर्सेज को फ्रूटफुल तरीके से यूज़ करें। जितनी आपकी नीड है सिर्फ उतना यूज़ करें, ठीक है? ज़्यादा यूज़ ना करें। जैसे बेटा अगर ज़्यादा खाना खाते तो उल्टी हो जाती है ना, तो सेम यही रिसोर्सेज को मानो कि भैया ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वरना हमारे साथ ही नुकसान होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ही नुकसान होगा। नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर किया था, हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सर माई बात अब तो होगी, तो सर कैसे कंजर्व करें ये भी बता दो। सर सब बताया तो कि भैया ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, मैंने जैसे आपको बात करी कि इंडिविजुअल व्हीकल्स कम यूज़ करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की स्विच ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जब वो यूज़ में ना हो, यानी पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कीजिए। आजकल बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ रहे हैं वो इस तरीके से बिल्ड किए जा रहे हैं कि वो एनर्जी कम से कम कंज्यूम करें और ऑटो ऑफ हो जाए जब वो नीड में ना हो। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज़ ज़्यादा करें, यानी ऑप्शंस के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, ठीक है? गेटिंग द पावर इक्विपमेंट रेगुलरली चेक एंड डिटेक्ट डैमेजेस एंड लीकेजेस, कि भैया जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं, उनको रेगुलर चेक करवाएं कि सुंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई लीक तो नहीं हो रहा है, ताकि जो हमारे रिसोर्स है वो ख़राब ना हो मेरे बच्चे। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर होता है एंड चैप्टर की थ्योरी एंड होती है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन विच मिनरल्स, अगर वो कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके अंदर मिनरल्स फॉर्म होते हैं, देखते हैं। चलिए, मिनरल्स जनरली अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होते हैं। जैसे सबसे पहला है वैनलूट्स, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं मिनरल्स, मेकर इन द क्रैक, जो क्रैक या फॉल्ट के अंदर बनते हैं बाय गेटिंग सॉलिडिफाइड इन दैम, उसके अंदर वो सॉलिडिफाई होते हैं, जम जाते हैं। जो स्मॉलर अकरेंस है उसको वेन कहते हैं, और जो लार्जर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लूट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे टिन, कॉपर, जिंक के लेड जो है वो लूट्स और वेन से पाया जाता, यानी पत्थर के अंदर जब क्रैक पड़ता है तो उसके अंदर लूट और वेन बन जाते हैं, यानी भैया नसे वेन, ठीक है, वो वाला तरीके से। सेडिमेंटरी रॉक्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं जो बेड और लेयर्स के तौर पे काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर रिवर बह रही है तो रिवर के नीचे जो होगा वो बेड होगा उसका, और उसके ऊपर उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होंगे, क्योंकि जो रिवर होती है वो अपने सेडिमेंट्स को वहीं पर इस्टेब्लिश कर देती है, ठीक है? जो फॉर्म होते हैं डिपोजिशन, एक्यूमेशन और कंसनट्रेशन के हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा के अंदर, यानी जो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ पर आपको रॉक्स मिल जाते हैं। जब आप कभी नदी में नहाने गए हों तो आपने नदी के नीचे देखा बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, तो वो ही क्या है, आपके डिपोजिशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स हैं वो, ठीक है? सम सेडिमेंट्री जो मिनरल्स हैं वो रिजल्ट के तौर पर मिलते हैं जैसे इवेपोरेशन, ठीक है, स्पेशली एरिड रीजन के अंदर, खासकर एरिड रीजन के अंदर, मतलब पहले नदी थी, नदी ने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया और नदी बहना बंद हो गई। अब यहाँ पर जो डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर हल्का फुल्का जो पानी था वहाँ पे वेपोरेशन स्टार्ट हुआ और वो सारा पानी उड़ के खत्म हो गया। अब जो बचा है वो आपके पास क्या बचा है, मिनरल, जैसे जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट। आप जानते हैं सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे पहले पानी था, ठीक है? पानी फिर धीरे धीरे वेपोरेट होता चला गया और जो बचा वो हमारे पास क्या बचा, मिनरल्स, क्योंकि वो डिपॉजिट वहाँ पर हो चुका था, वो वहाँ पर डिपॉजिट हो चुका था मेरे भाई। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अदर फॉर है, मोड है फॉर्मेशन का, वह है डिकम्पोजिशन। जो सरफेस रॉक्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं, वो टूटते रहते हैं, उनका क्षति होती रहती, ठीक है? और जो सॉल्युबल कंटेंट्स होते हैं वो सॉल्यूट हो जाते हैं और बाकी जो बचता है वो हमारे पास मिलता है वेदर्ड मटेरियल के अंदर। बॉक्साइट इसी तरीके से फॉर्म होता है, मतलब जैसे ये इसी तरीके से समझो जैसे आपके हाथ में मिट्टी लगी, आपने मतलब आपने गार्डनिंग करी, आपके हाथ में मिट्टी मिट्टी हो गई। अब क्या होता है, जैसे आप नल चालू करते हो तो मिट्टी हट जाती है, सिर्फ आपके हाथ बचते, कहते हैं हाँ सर हाथ थोड़ी धुल जाएंगे मिट्टी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हाथ धुल जाए मिट्टी बचेगी, नहीं वो नहीं हो सकता। तो आपके पास मिट्टी धुल गई, हाथ बचा है, सेम
रॉक्स के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है, फिर जो बाकी सारे जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो सॉल्यूट हो जाते हैं, और बाकी जो बचता है वो आपके पास मेन मिनरल बचता, प्लेसर डिपॉजिट जो सर्टन मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो एलिवेल डिपॉजिट जो सैंड्स वैली के अंदर मिलते हैं, जो हिल्स के इस वाले पार्ट पे आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये इसके डिपॉजिट होते हैं, इसी को हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो पानी से कोरोड नहीं होते, जो पानी से कोरोड नहीं होते। जो ओशन वाटर है ये वास्ट क्वान्टिटीज के मिनरल्स होते हैं, जो कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये यहीं से निकलता है। जो ओशन बेड्स हैं ये मैग्नीशियम नोड्यूल्स के अंदर टॉप क्लास के होते हैं। हमने पहले ही बात करी है कि जो ओशन है उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा, यानी हाई लेवल की क्वांटिटी में हमें जाकर मिलते हैं बच्चा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स में एग्जाम्पल देके। आप जानते हैं नॉन मेटलिक और मेटलिक की बात हम करते हैं। मेटलिक मिनरल्स क्या हैं? जो जनरली अकर होते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, सर्टन मिनरल्स जो मैं ऑल्सो कर ये एलिवेल डिपॉजिट के तौर पर भी मिल सकते हैं, सैंड वैलीज के अंदर, फ्लोर पे बेस या हिल्स पर। लेकिन जो नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ये डिपोजिशन, एक्लिमेशन और कंसनट्रेशन से बने हैं, और हॉरिजॉन्टल स्टेटा से बने हैं जो नॉन मेटलिक मिनरल होते हैं, ठीक है। मेटलिक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो उसके अंदर फेरस मिनरल्स आते हैं, नॉन फेरस आते हैं और प्रीशियस मेटल आते हैं। फेरस मिनरल्स के अंदर आयरन ओर होता है जैसे कोबाल्ट, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। नॉन फेरस के अंदर अगर हम बात करते हैं कॉपर है, बॉक्साइट है, ठीक है, और प्रीशियस मेटल के अंदर क्या आता है हमारे पास? गोल्ड आता है, टिन आता है और सिल्वर आता है, ठीक है। मेटलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिलते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटलिक की बात करते हैं, कंप्राइज होता है इसके अंदर माइका, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, यानी इसके अंदर मेटल्स नहीं होते मेरे बच्चे, ठीक है। ग्रेनाइट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जैसे माइका है, ग्रेनाइट है, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। नॉन मेटलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश के अंदर हमें बेसिकली मिलते हैं मेरे बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर डिफरेंस देखते हैं। कन्वेक्शनल है, दे हैव बीन यूज सिंस गैस एजेस, ये शुरू से बहुत पहले से यूज़ हो रही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी आई है किसकी? नॉन कन्वेक्शनल की। किसकी? नॉन कन्वेक्शनल की। एक्सपेक्ट एक्सेप्ट हाइड्रल पावर, हाइड्रल पावर को अगर छोड़ दिया जाए तो एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या है? खत्म हो सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं। नॉन कन्वेक्शनल के अंदर ये एग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं हो सकते। जब पृथ्वी खत्म होगी तब ये खत्म होंगे, जब ये खत्म होगी तब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी, जैसे जिस दिन सूरज खत्म हुआ उस दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बस ये तभी खत्म होगी एनर्जी हमारे पास। नेक्स्ट है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्रिएट पॉल्यूशन, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेक्शनल जो है वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और ये ईको फ्रेंडली है। इसके अंदर एक्सेप्ट वाटर ऑल अदर सोर्स एनर्जी आर वायबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, बाकी सारे जो कोल है, पेट्रोल है, लिमिटेड क्वालिटीज के अंदर है पानी को छोड़कर, लेकिन ये फ्रीली है, अबंडेंटली अवेलेबल है पूरे समाज के अंदर, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। ये कॉस्टली है कन्वेक्शन, जो क्या है? कॉस्टली है, ये चीपर सोर्स है। हाँ, आप अगर कहते हैं कि सर सोलर एनर्जी के अंदर जो सोलर पैनल है उसको लगाने का खर्चा, जो फर्स्ट जो मतलब उसको लगाने का जो खर्चा वो महंगा है, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी मतलब हाँ कॉस्ट बेयरिंग है वो बेसिकली, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और एग्जॉस्टेबल इन नेचर होते हैं, वी कैन नॉट डिपेंड इनके ऊपर, टाइम डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ये अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड हो जाओ, दे आर कॉल्ड आवर फ्यूचर एनर्जी, इसलिए इसको फ्यूचर एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्यों? एक दिन ये निपट जाएंगे, ये बच जाएंगे, तो जो बच जाएगा वो हमारे काम आएगा, ठीक है, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो ये जो बचेंगे तो हमारे काम आएंगे, वरना ये तो वो दोस्त हैं बेटा जो मोमोज तो खाते हैं लेकिन भाग जाते हैं जब पैसे का नाम आता है, ठीक है। व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्स इन इंडिया? एक्सप्लेन एनी फाइव रीजन, कोई पांच रीजन देने हैं कि हम काहे यूज करें एनर्जी रिसोर्स को, क्यों यूज करें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करें खासकर इंडिया में, क्योंकि भैया पॉल्यूशन है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस वजह से यूज करोगे तुम। जो ग्रोइंग कंजप्शन एनर्जी का ये रिजल्ट है कि इंडिया इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स पे, जैसे कोयला, ठीक है, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, जो लिमिटेड है इस अर्थ पे, लिमिटेड क्वांटिटीज में है इस अर्थ पे। सो एक अर्जेंट नीड है कि हम सस्टेनेबल एनर्जी जैसे सोलर पावर, वाटर, विंड, इनकी तरफ जाएं और इन चीज़ों को यूज़ करें। राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल, जैसे जैसे ऑयल के, गैस के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आए सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, तो महंगाई इतनी बढ़ती है तो क्या करें,
ठीक है, हैव रेज अनसर्टेन अबाउट द सिक्योरिटी एनर्जी, अनसर्टेनिटीज़ की बात करता है कि सिक्योरिटी एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई है कि एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, कि भैया फ्यूचर में सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, विच इन टर्न हैज सीरियस रेप्रिकेशन ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसकी वजह से नेशनल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। क्लियर, चलो। इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़, इसके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है, जैसे पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एटसेट्रा। हम इतनी तरीके से धुएं उड़ा रहे हैं, चीज़ों को डाल रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ना मेरा भाई। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स, एनर्जी है पॉल्यूशन फ्री, ये हार्म नहीं करती ओजोन को, ठीक है, देयर वर दे आर इको फ्रेंडली, उसी वजह से इको फ्रेंडली है। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि भैया ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रख रही है, उस पर पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है, तो यूज़ करो, जब नुकसान नहीं तो यूज करो। नेक्स्ट है दे आर चीपर सोर्स, ये सस्ते हैं और फ्रीली और एबेंडेंटली नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपका तो नहीं कोयला हम यूज करेंगे क्योंकि कोयले पे हमारे अधिकार है। अबे भैया सूरज है, कहीं पर भी अपनी छत पर डाल लो तुम सोलर पैनल, किसने रोका, किसी ने रोका, ऐसे तो नहीं सूरज कहा नहीं तेरी छत पर नहीं आऊँगा, तेरी छत पर आऊँगा, क्यों नहीं भैया, नहीं तो नहीं नहीं उन्होंने मुझे ऐसे रखे, तो उनको मुझे ऐसे रखनी थी तब आता मैं तेरे घर पर, नहीं नहीं अब नहीं आऊँगा तेरे घर, ऐसे तो नहीं होता ना, तो बस फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी सेव ही एनर्जी प्रोड्यूस है, इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, ये आपके एनसीईआरटी की सबसे आखिरी लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर एक आ गया एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब अगर आप एनर्जी सेव करेंगे वही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी आगे जाकर वही काम आपके आएगी, जैसे एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, वी कैन नॉट कीप एंड प्रोड्यूसिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी को, सो जो नीड है आर की इस वक्त की इज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ये बेटर है कि हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ अच्छे से कर पाए। एनर्जी जो है डिप्लीशन हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमिना एट प्रेजेंट टाइम, जो एनर्जी डिप्लीशन है वो एक ग्लोबल फिनोमिना बना है आज के टाइम पे, कि भैया एनर्जी डिप्लीट हो रही है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है कि भैया हम जो फ्यूचर जनरेशन है, जो फ्यूचर है वो कैसे देखेंगे, और जो एनर्जी क्राइसिस आने वाला है फ्यूचर के अंदर उसको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो ख़त्म होने वाले हैं, तो हम कैसे एनर्जी क्राइसिस को देखें। इस वजह से भी हमें क्या है एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, जो डिमांड है एनर्जी की वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन जो एनर्जी है आर बिकमिंग स्कार्स एंड कॉस्टली, और जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा महंगी भी होती जा रही है। नियरली 97% जो है जब वर्ल्ड की कंज्यूम करती है एनर्जी, ये फॉसिल फ्यूल से आ रही है, पेट्रोलियम से आ रही है, नेचुरल गैसेस से आ रही है, तो भैया इसका मतलब है कि भैया अपनी जो एनर्जी उसको बचा लो। अमंग बहुत सारी स्ट्रेटजीज हुई मीटिंग्स, एनर्जी डिमांड करती हैं क्या, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, कि भैया हमें एनर्जी को बचाना चाहिए, इसका एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए, और तभी जाके सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो पाएंगी। कैसे देखें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मस्ट बी स्विच ऑफ, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ में ना हो उनको स्विच ऑफ कर दो, आजकल तो एडवांस इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम कर दें। सोलर पावर शुड बी यूज्ड एट टू द मैक्सिमम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर यूज़ करी जानी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को जनरेट कर सकें, आप एनर्जी जनरेट कर सकें, खासकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। रिसाइकिल करना चाहिए जो गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, कंजर्व करनी चाहिए एनर्जी को, यानी जो हमारे पास गुड्स हैं रिसाइकिल करो बार बार और उनको यूज़ करते चलो, रिसाइकिल से, रीयूज से, रिड्यूस से, ठीक है, इससे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी। और अगर हमारी एनर्जी सेव हो गई तो हमारे जो सामने जो फ्यूचर नीड्स आएंगी हम उसको टैकल कर सकते हैं, हम उसको इजीली चीज़ों को समझा सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका ये चैप्टर, आई होप आपको मज़ा आएगा, पसंद आएगा, और आपके सभी चैप्टर के वन शॉट आ चुके हैं, सभी के सभी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुके, तो कहाँ हो भाई मेरे, आई बटन पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी चीज़ें देखो ना भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ओके टाटा बाय बाय, चेक केयर, लव यू टू गाइज़।